के हला हतन आओ केन सो केन अच्छा गुजार आओ खाती दाबे अच्छा सो पजा कमाने घर वाली मरी दे दे हां तो कमली अच्छा मांग पेन दे ने पैसे लेने खाने गरीब बंदे 2000 3000 पर्ची कर लग जा जी सर महंगाई आज का बदाम रखो दवाई न दे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आए हैं, हमारे साथ ही एक घर है, तो एक बंदे ने कहा था कि इनके हालात ख़राब है, इनकी वीडियो बना दें, तो आज हम इनके पास आए हैं। ये जो घर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये रहते हैं, लेकिन ये भी घर इनका अपना नहीं है, किसी एल्तर्स बंदे ने इनको दिया रहने के लिए, और इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये दो मियाँ बीवी रहते हैं, और इनके जो खावंद हैं वो एक छोटा सा खोखा है, वो खोखा चलाते हैं, वहाँ पर भी रोड के साथ ही बनाए हुए, लेकिन वहाँ पर भी ज़्यादा सेल नहीं होती, इनका बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की, जो हमसे हो सका था, जितनी हमारी औसत थी, हैसियत थी, उसके मुताबिक हमने इनको राशन दिया। बाकी भी आप लोग भी जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने सबने कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि इन दोनों की हेल्प हो सके, क्योंकि ना इन्हें बेनज़ीर की जो स्कीम है उस तरफ से कुछ मिल रहा है, ना ही किसी दूसरा जो राशन मिल रहा था मरियम नवाज़ की तरफ से, उसकी तरफ से भी इन्हें कोई चीज़ नहीं मिली। तो ये माह रमज़ान का मुकद्दस महीना है, और ये इस चीज़ के अहल हैं कि इनकी हेल्प की जाए, और आप भी ये सवाब के काम में शामिल हो जाएं। आपको इनका ये घर दिखाते हैं जहाँ पर ये रहते हैं, ये इनका छोटा सा किचन नुमा बना हुआ है, और उनसे बात भी करते हैं। के हालात हैं, आओ कैन सो कैन अच्छा गुजार आओ खाते हैं दाबे अट्टा का किलो गिनने ताजा ते मलाने अच्छा ताजा अट्टा किदा ते वो मल्ला ते वो खादा बाद अगा हल्ला वारिस जी इमदाद तुम्हारी कोई नहीं करींदा नहीं अच्छा तू सा दसो देखो के पोजीशन तुम्हारा खो खाए नहीं जी हां खो खाए जी कोड़ी खाड़ो बाहर चलदा अच्छा सो पजा कमाने घर वाली मरी दे दे हां तू कमली अच्छा मांग पेन दे ने पैसे लेने खाने नहीं अच्छा मो का वक्त ने बदा भी जी अच्छा बाहर साल कोड़ी का बूढ़े बंदे नु है अच्छा मो का वक्त ने बहने इमदाद कहे नहीं की तुम्हारी अच्छा ये घर तुम्हारा अपना तो नहीं नहीं ये अपना नहीं ये मंगा है अच्छा सारा घर जाए ना बलवा समझे ढठे बुठे घर पाया नहीं बाहर बटे में अच्छा वो थन जड़ तुम्हारा वो घर है वो हवेली शवेली काशे कौन ना ना अभी कोई हवेली नहीं कक्का कोठा में पाटा नहीं अच्छा पहले मकसद है अपनी जड़ी मलकियत है वो कच्चा कोठा है वो कक्का कोठा है ना बड़ा समझे बहुत ठीक को अच्छा घाटा टुकड़े बगा संग घर की और जो खोखे ही खोखे दूते को जी यदि सेल तक कोनी राशो दे कोनी एक दो बंदा को आवे 150 दे देने में कुछ है 150 का केड़ा काम के दे दी मंगाई सौदा कारोबार चले सौदा रखण दी औसत ही कोनी औसत को जा दे अच्छा ते मंगाई बहुत ज्यादा है हजार 500 पेन मांग दे दो चले ने दे अनु कमली हुई बची घर अच्छा परेशानी दी वजह नाल ये मकसद जेनी तवाजन नहीं खराब थी जी हां जी ने कारोबार है ना ये ठीक ठीक नहीं पई बहुत टेंशन है रहने के भी अच्छा इलाज करेंगे ना बाजी इलाज मुका छोड़ी जब हम दाम के बैठे हैं ये वो ठीक है इलाज मुका वो ठीक है गरीब बंदे वो दात्रा पर्ची के लग जी सर महंगाई आज का बदाम रखा दवाई न छोड़ दे लेकिन दाम वालों के वजन की पैसे तो लगते हो सन की वही काम 2000 दिखते हो गए जो मार के दे दिखते हो अच्छा वो दे जो पैसा वो तो बनी जी पीर पीर पैसे नाल हां गाल पैसे नाल आखी मा जो हुना रे गरीब है नहीं इतनी गरीबी में चाहे मरी ठीक नहीं थी ना मांग बन जाओ गिडू आओ थानू पैसे पूरे लो नहीं जी जिंदगी गुजरी दे पे वेस दूते हुन मुत मैं नहीं वे परेशान ही गुजरी है सारी परेशान ही गुजरी है सारी जिंदगी सारी जिंदगी सारे बुढ़े बा आगे जान दे गए ना छे मुसीबत है टेंशन है रहे छे भी घंटी अच्छा खुशी का नहीं लिठी ना खुशी है जैसा ना है अच्छा खुशी आंदे वे शामिल नहीं वेती संगे परेशान ही बने पे था अल्लाह पाक थारी परेशानियां खत्म फरमावे असा अपने तरफ जेड़ा कीता यो कर छोड़े ते बाकी व्यूअर्स जो लोग देख रहे हैं जो इनकी हेल्प करना चाहे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है ये आपको बता भी देते हैं तो आपने राबता करना है जो इनकी हेल्प करना चाहे मानता ने इन तक पहुंच जाएगी और मैं वीडियो भी बना कर दूंगा और आपकी जो अमानत होगी वो इन मुस्तक लोगों तक जरूर पहुंचेगी ते तुसा दुआ ही करनी है चा अल्लाह बहु ले ले अल्लाह बहु ले वे तो आपको ही पिछले दे मनाल तू दे दे अल्लाह बहु ले वे सारी टेंशन मको दी राखी सुते दुआ करे तू अल्लाह ताला तोनु सुबह ठेक बाला बच्चा नु हाथ हम जी वे और ये थोड़ा सा यहां से दिखाते हैं ये तो इनके आपने भी नहीं यहां पर कोई रहता था उनके ये माल मवेशी का था शायद तो वो सबको छोड़ कर ले गए और ये दो अकेले ही रहते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और जो लोग इनकी हेल्प करना चाहें उन्होंने हमें नंबर पर रब्ता करना है। अल्लाह पाक आप सब की परेशानियों को ख़त्म फरमाए अल्लाह पाक इनकी गैबी इमदाद फरमाए इनकी परेशानियां ख़त्म हो और इनकी जो इन्होंने ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी हमारे जो हम बूढ़े हो गए लेकिन ज़िंदगी में खुशी कोई नहीं देखी
तो अल्लाह पाक इनकी खुशियों में इजाफा फरमाए, और हमारी तरफ से जो हमारी हसीयत थी उसकी तरफ से कोशिश की है कि चलो इनकी खुशी में कुछ ना कुछ इजाफा हो जाए, तो हमारे लिए यही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा।